हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वासु और आप देख रहे हो एनएसए टेक वीडियो चैनल। यार, कई बार क्या होता है ना, हम आईफोन से वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं, बहुत प्यारी रिकॉर्ड होती हैं, लेकिन जब एडिटिंग करने आते हैं ना तो वो ओवर एक्सपोज्ड लगती हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मेरे सोर्स मॉनिटर में ये वीडियो बिल्कुल परफेक्ट लग रही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही मैंने इसे टाइम लाइन में ड्रॉप किया और यहाँ पर अपने प्रोग्राम मॉनिटर में इसका आउटपुट देखा, तो आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज्ड लग रही है ये वीडियो। अब कभी कभी तो ऐसा होता है कि एडिटिंग के वक्त आपको दिख जाता है, लेकिन कभी कभी जब आप एक्सपोर्ट करोगे ना, तब आपको ओवर एक्सपोज लगेगी, एडिटिंग के वक्त भी नहीं शो होगी। तो यहाँ पे जो सिंपल सा इसका सोल्यूशन है ना, वो ये है कि आपको अपने प्रोजेक्ट विंडो में जाना है, यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है अपनी उस फुटेज पे जिसमें ये इशू आ रहा है, देन मॉडिफाई पे जाना है और इंटरप्रीट फुटेज के ऊपर क्लिक करना है। अब आपको सबसे नीचे ऑप्शन मिलेगा कलर स्पेस ओवरराइड का, आपको यहाँ इसे अनेबल करना है और यहाँ पर REC 709 का जो कलर स्पेस है उसे सिलेक्ट कर लेना है। और जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे, और अब आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा प्रोग्राम मॉनिटर और सोर्स मॉनिटर दोनों में बिल्कुल इवन फुटेज है, कोई डिफरेंस नहीं है। आप यहाँ पे जो भी लाइक कलर ग्रेडिंग करना चाहते हो या जो भी एडिटिंग करना चाहते हो कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं आएगा। सेकेंड थिंग, चलो कभी कभी गलती से हमने रिकॉर्ड कर ली तो ऐसा हो जाता है, लेकिन आगे से ऐसा ना हो तो उसके लिए आप सेटिंग्स में जा सकते हो, अपने आईफोन के कैमरा सेटिंग्स में जाके HDR को डिसेबल कर देना। जैसे ही आप HDR ऑफ करोगे, तब आपको ये कलर स्पेस ओवरराइड नहीं करना पड़ेगा, तो सिंपली आप HDR ऑफ कर दें। तो यही था वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और ऐसी वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।